हाय गाइस, तो हमारे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग सभी कैसे हो? तो घर पर भी सभी ठीक है, और सपना के लिए पूछते हो तो बच्चे सपना सब लोग ठीक हैं, और अब उसके ब्लॉग भी आने लगे हैं, तो आगे भी आपको मिलते रहेंगे उसके ब्लॉग। तो हमारे गांव में सरकारी कैंप लगा था, तो ऐसे ही जैनवनी पापा दिखाने चले गए थे, तो उनके जो थायराइड नहीं शुगर थी, तो शुगर उनके 342 निकली है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर चेक वगैरह करा के आए थे, दिखा के आए थे, फिर प्राइवेट चेकअप करवाए, फिर आगरा भेजिए उन्हें सैंपल गए, तो ब्लड वगैरह ब्लड का सैंपल लेके उन्होंने आगरा भेजा है। यहाँ पर नहीं हो पाती है शुगर वगैरह की और ब्लड की, तो अभी कल आएंगी शायद, उनकी रिपोर्ट है वो। तो हम समझते थे कि ऐसे ही ये गुम सुम डरे रहते हैं, तो ये अपनी टेंशन में रहते हैं कि सपना की वजह से परेशान तो रहते ही सब, तो हमने समझा कि वे उन्हीं से रहते हैं, तो हमने कुछ सोचा भी नहीं है कि किसी के हमारे के तो है ही नहीं इतनी कि बहुत ज़्यादा हो गई है। सबके बढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर एक ने बताया था कि जामुन खिलाइए, जामुन फ़ायदा करती है इसमें, देंगे दूध भी देंगे, तो जामुन फायदा करती हैं। तो फिर मम्मी जामुन भी लेने गई थी, क्योंकि हमारे भी भाव गए हैं, चाचा ताऊ के बाग से ही लेके आ गई थी मैं वो भी दुकान से आ रहे थे, रोज रोज तो जा नहीं पाते, रास्ते में ही बाग पड़ता है। और हमारे पिन्नू को चोट लग गई है। कहाँ लगी है पिन्नू? बोल रही है मैं दिखाऊंगी। कुछ खा रही थी? कुछ नहीं खा रही थी, ये डिब्बी का ढक्कन खुल रही थी मुँह से, बिक्स की डिब्बी है, बिक्स अब मत खोलना है ना। कि ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ही प्यारा है, और प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से स्कूल जाने लग गई है, आरू भी जाने लग गई है, आरू के भी स्कूल खुल गए हैं। आज पिन्नू पढ़ के आई थी ना, क्या बोल रही थी मैडम? घर जाके पढ़ना, अपना होमवर्क करना। तो जब से छुट्टियां हुई हैं, तो आज पहले दिन गई थी पिन्नू पढ़ने, अब कल कटिंग कराएगी पिन्नू, है नहीं कटिंग कराई, और लंच पूरा खाया कर, इसको दो पराठे रखे थे उसमें से आधा ही खाया है बस। आई थी अभी पढ़ के आई है, तो बिम्मू अम्मा के घर से आम लाई थी, मैंने दे दिया है। इसको दे दिया भाई को, वो कह रही है भाई बहुत प्यारा है मेरा, भाई को दे दिया अपना आम, जीजी को दे दे थोड़ा, कोई बात नहीं है मैंने खा लिया न, थोड़ा सा खा ले, दे दे जीजी को, जीजी को दे दे थोड़ा सा, ले ले जीजी। मेरे ऊपर बैठ के बम बम चला रहा है, मैं सो जाता हूँ तो बोलता खड़ा हूँ, उससे चालू करता है, चाबी है, चाबी लगा हुए, कहाँ चले, कहाँ चले, चालू कैसे करेगा, किक दे रहा है चालू कर रहा है किक, एक चालू, ओहो पेट्रोल खुलते हैं, हाँ यो खुलती है। दिब्बू मैं वीडियो बना रही हूँ आपकी, वीडियो बना लूँ? बाय। मैं कहाँ जा रहा हूँ बता दे, क्या लेने, आइसक्रीम लेने, और रोटी, और पूरी मतलब पूरी पूरी, और दही, चलो ठीक है चलते। और आर दीदू के जा रहा है, और कोए माँ बुआ, और मैं जा रही हूँ आर के घर पे, ये छोटी तेरी तेरी बहन है, बूम बूम में गई तेरी बहन है, छोटी जी जी बूम बूम से छोटी जी जी है, छोटी जी बूम बूम से जा रहा है, खुश है जी पापा? नहीं जी जी, हाँ ठीक है काम बहुत ज्यादा है, जैसे सफाई करके कई दिन के बाद खुली है दुकान, तो पूरी बड़ा बड़ा करी है,
गाइस हम आए आज बाग पे जामुन खाने, तो देखो हमारे यहाँ लग रही हैं जामुन, क्योंकि उनके लिए सपना के पापा जिनके लिए बताई हैं जामुन, उनके शुगर ज़्यादा है तो कहते हैं शुगर कंट्रोल हो जाती है थोड़ी बहुत जामुन खाने से। तो गाइस यहाँ पे जामुन, हम लेट हो गए हैं दुकान पे आने से, और बॉ भी डोल रहा है उधर, वहाँ पे जामुन तोड़ रहे हैं वो लोग, यहाँ रहते हैं माली तो वो तोड़ते हैं जामुन, बहुत ही मीठी जामुन है यहाँ। तो यहाँ पे हो रही है बहुत सारी कीच, देखो पानी भी पड़ा है यहाँ पे, बारिश बहुत हुई है तो यहाँ पे कीच हो रही है, मैं तो निकल नहीं पा रही हूँ देखो। और वहाँ खड़ी है हमारी स्कूटी, और उस पे रखे हैं कपड़े बैग वगैरह जो मैं आई हूँ अभी दुकान से। तो ये है धान की जो पौध होती है, वो पौध है यहाँ पे। हाँ वो भी दे रहा है आवाज़ वहाँ पे, वो माली भैया तोड़ रहे हैं जामुन, जिद कर रहा होगा वो, वहाँ पे वो बनाते हैं ना डलिया, उसमें पैक करके रख देते हैं। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ जामुन खाने, देखो ये भी धान की पौध है, पहले ऐसे बड़ा किया जाता है तब इसको लगाएंगे उखाड़ उखाड़ के अलग जगह से। ये चावल होते हैं ना, चावल हैं तो ये चावल की इस तरह से पौध लगाई जाती है। गाइस ये यहाँ पे जामुन टूटी हुई रखी है, तो ऐसे पेटी पैक करते हैं ये लोग, तो देखो कितनी सारी जामुन टूटी हुई रखी है, चढ़ चढ़ के जामुन तोड़ी जाती हैं, कितनी सारी जामुन है यहाँ पे। और ये इनकी तराजू है यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं हम भी जामुन लेने। तो ये लोग रखाते हैं यहाँ पे बाग, इनके बाग है ये, इसमें जामुन पैक करके ये ले जा रहे हैं। तो ये बॉ भी खा रहा है जामुन, बताना कैसी जामुन है तेरी। बढ़िया बढ़िया तो खा ले। अच्छा छांट छांट के खा रहे हैं। तो ये भैया लेके जा रहे हैं वहाँ पे, इकट्ठी कर लेंगे, फिर इनका ऑटो आएगा तो उसमें लेके ये सुबह जाएंगे मंडी करने। तो ये आगरा या दिल्ली की मंडी करेंगे, हमारे फतेहपुर में मंडी नहीं है इतनी बड़ी। वो भी बीन रहा है जामुन, और देखो कितनी सारी जामुन लग रही हैं, देखो कितनी सारी जामुन है, वाह। चलो तुम्हारी जामुन यूट्यूब पे डाल देंगे हम, बहुत ही अच्छी जामुन है। फतेहपुर ही गांव में हो? अब गांव में ही रहते हैं, दुकान नहीं है फतेहपुर तो। हमने इसमें ले ली जामुन और अब चल रहे हैं हम घर। तो बॉ भी कर रहा है उन्हें परेशान, उनकी डलियों में से जामुन भर भर के खा रहा है, क्योंकि खराब हो जाती हैं हाथ लगाने से, तो वो चाचा जी मना कर रहे हैं। तो गाइस इतनी जामुन लेके जा रही हूँ क्योंकि खराब हो जाती हैं, ये एक दिन चल पाती हैं। चलो स्कूटी चालू।